ड्राइवर के लिए जितने भी लोग आपको लाइट आए हुए हैं एक एक करके अपना जो इंटरव्यू है तो शुरू कर दीजिए। सर मैं विशाल मीन, मैं पहले उड़ीसा में वहीं पे फैब्रिकेटर काम करता था, अब वहाँ से लॉकडाउन की वजह से घर आना पड़ा है, अब यहाँ पे कुछ रोज़गार मिलेगा शायद, इसलिए आए हैं आज यहाँ पे। किस तरह का रोज़गार चाहते हैं? सर हम लोग जो पहले करते थे रोज़गार, हम तो चाहते हैं कि वही मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वहाँ आपको कितना सैलरी मिलता था, कितना इनकम होता था? वहाँ 12 से 15 हज़ार मिल जाता था। अब अगर इससे कुछ कम आपको यहीं आपके गांव में ही रोज़गार मिलता है तो क्या पसंद करेंगे, वापस जाना पसंद करेंगे या कम सैलरी में ही काम करना पसंद करेंगे? नहीं सर, अगर सैलरी कम रहेगा तो भी यहाँ अपने नज़दीक में ज़्यादा सुविधा की वजह से हम यहीं रहना पसंद करेंगे। यहाँ पे आप संचालित कर रहे हैं और किस तरह की पहल हो रही है? देखिए राज्य स्तर से ही निर्देश दिया गया था कि जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके योग्यता के हिसाब से स्वरोजगार देना है। ज़िले में लगभग 2200 से ज़्यादा श्रमिकों को मनरेगा में काम दिलाया गया। अभी जो यहाँ कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग उद्योगों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग 152 का रिक्वायरमेंट है और 160 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जो जिस ट्रेड के उनके रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, वो ट्रेड के लोग जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, काउंसलिंग करके वो जो मनचाहे आदमी को ले सकते हैं।